अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल कश्मीर लास्ट। सो भाइयों ये रहा एक छोटा सा वीडियो, देख लीजिए पहले आपके स्क्रीन पर। नाउ दैट यू सीन द वीडियो, दिस इज द सिचुएशन ऑफ श्रीनगर। ठीक है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट जहां पर ये सब हुआ है, वो एक वहां पर एक बंकर एरिया, वहां मिलिट्री 24 घंटे होती है जब तक मार्केट खुला रहता है। एंड दिस इज, सुनने में आया कि 12 से 13 सिविलियंस बहुत शदीद जख्मी हो गए हैं। अब अल्लाह करे वो जख्मों की ताब बर्दाश्त कर पाए, अल्लाह करे कोई मतलब कश्मीरियों के लिए सेफ नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी कश्मीरी सेफ कहीं नहीं है मुझे लग रहा है। एंड आई डो नॉट नो वट शुड आई टॉक अबाउट, दो पॉलिटिकल कॉन्टेंट मैं कभी बनाता नहीं हूँ, बट जब सोशल चीज़ें होती हैं या अनबेरेबल चीज़ें होती हैं, इशू तरह फिक्रे वन होते वनों कित के रबुल आलमीन रशियन है, अल्लाह ताला हम तमाम कश्मीरी भाई बहनों को इस मुसीबत से बचाए, हर किसी इंसान को इस मुसीबत से बचाए। दिस इज़ अनबेरेबल। देर इज़ अ न्यूज़, एशियन स्काई न्यूज़ है एक पेज है या कश्मीर लाइफ, इन लोगों ने एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इनकी कुछ फुटेजेस यहाँ पर है, आप चाहे तो उनके पेजेस पर जाके देख सकते हैं। बट एक मैसेज देनी बनती है यहाँ पर कि अल्लाह करे वो दिन आए जब कोई भी मासूम, कोई भी बेगुनाह जख्मी ना हो, मरे ना। पता नहीं हम घर से निकलते हैं बाहर, वल्ला अगर पता भी होता, खुदा की कसम इतना भरोसा ही नहीं होता कि शाम को वापस सीधे मुँह आएंगे कि नहीं, क्या पता किसकी लाश कब मिले। तो मतलब पता नहीं ये कौन से दुश्मन अनासिर, अल्लाह करे इनको अल्लाह गर्क करे, अल्लाह करे इनको भी ऐसी ही चीज़ें जब इनके बच्चे जब इनके घर के अफराद जख्मी होंगे मर जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। बहरहाल ये बद्दुआ मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, अल्लाह करे पहले अकल आए। बट दिस इज़ अनबेरेबल एज एन कश्मीरी। आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्होएवर इज वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैव यू एवर सीन दिस, यू वेंट आउट ऑफ द हाउस फॉर अ वन डे एंड सेकंड डे देयर इज अ ब्लास्ट आउटसाइड एंड यू कम बैक एंड यू लूज योर फादर, यू लूज योर सिस्टर, यू लूज योर ब्रदर, यू लूज योर हस्बैंड, यू लूज योर किड्स, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। दिस वॉज नेवर कश्मीर में ऐसा बिल्कुल नामुसाइद हालात, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर मतलब है ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं ये क्या, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अचानक से ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कौन हमारे कश्मीर के पीछे लगा पड़ा है। अल्लाह उसको ऐसी सजा दे जो ज़िंदगी में किसी को नहीं मिली हो। ये ऐसे हैवान हैं जिनका कोई मजहब नहीं, मतलब इंसानियत का मजहब एक ही है, सबसे बड़ा मजहब अगर कुछ है तो इंसानियत है। तो इस्लामिकली मैं कहूँगा, इस्लाम में जायज़ नहीं आप किसी जानवर को या किसी इंसान को मतलब चिल्ला के बात करें तो हाथ उठाने की तो दूर बात है, मतलब टॉकिंग अबाउट गन्स एंड एमिनेशन, ये तो अलाउड ही नहीं है भाई। कहाँ फंस गए हम लोग, कितना बचपन से आज तक कितनी टेंशन हम कश्मीरी भाई बहनों ने देखी है। आई डोंट इवन नो कि ये सब क्यों हो रहा है, बट अल्लाह करे, दुआ कीजिए कश्मीर के लिए, दुआ करे कि अल्लाह सब सतो सलामत रखे सबको। जो भाई बहन है ध्यान से देखा करें ट्रैफिक पॉइंट्स पे, मतलब आई होप कि ऐसा ना हो दोबारा, और दुआ करें वो फैमिली वाले जो जख्मी हैं, अल्लाह करे वो ज़्यादा सीरियस मसला ना हो। दिस इज़ प्रिटी इजी नहीं है किसी को भी, कभी कभी बहुत जख्मी होता है इंसान, ट्रॉमेटिक होता है, सीरियस डैमेजेस होते हैं, ऑर्गन डैमेजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से या ब्लड लॉस, हेमरेज जो हो जाती है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक चुका सा बेसिकली, उस इन दैट केस पेशेंट कैन डाई। तो अब आप खुद सोचे, अभी तो कल मैंने एक नॉर्मली एक वीडियो डाला था बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था, ट्रोमेटिक केसेस में सबसे पहले वहां पहुंचाते थे। देखिए अब कितना वो नहीं है, अब SMHS है, JVC हॉस्पिटल है, स्किम्स का सोहरा है, ये हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाएगा। दिस इज प्रीटी ब्रैड न्यूज, दिस इज रियली वेरी, इट्स एन इनसेन न्यूज एवरी नाउ एंड देन यार, रोज सुबह उठ के पता ही नहीं होता है कि, अब तो डर लगता है ट्रस्ट में, अब हमें मतलब जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर अब मतलब हम कश्मीरी को आदत ही है, हमें हम वो कहते हैं ना कफन बांध के निकलते हैं, सुबह निकले घर से क्या पता शाम को वापस आएंगे नहीं। अल्लाह की कसम हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बाप, हमारे दादा नाना सबको ये आदत है। अल्लाह की कसम अगर नॉर्मल अदर स्टेट्स में ऐसा आप डिप्रेशन फेस करोगे अब तो आप जी नहीं पाओगे, आप रोज़ आपको लगेगा आपकी लाइफ एक वैक्यूम में बंद है। तो दिस इज़ अनबेरेबल, यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल हैव सिविलियंस हैव गॉट इंजर्ड, एंड ये जो कम जलील लोग हैं इन जिन्होंने ये काम किया है, अल्लाह इनको गर्क करे, अल्लाह करे कि पुरअमन कश्मीर हो, हमारा कश्मीर इन तमाम मुसीबतों से, पॉलिटिकल मुसीबतों से बाहर निकले, हम भी जिए जैसे बाकी लोग जीते हैं। यार रात को एक समा था जब मेरे फादर कहते थे कि बिफोर 90s की से पहले की बात है कि जब हम यहाँ पर नॉर्मल था
सब अभी भी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लीन। बट समटाइम्स ये जो अजीब गरीब चीज़ें हो जाती हैं, ये समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, कौन दुश्मन है। हम कश्मीरी भाई बहनों का लानत पड़े इन जैसे इंसानों पर, जो लानत पड़े इनकी अक्ल पर लानत हो और इनकी सोच पर लानत है। ये हैवान, ये जानवर से भी बदतर लोग हैं, जो अपने मतलब के लिए हम बाकी इंसानों का कत्ल गारत करते हैं, जो अपने मतलब के लिए किसी को मार देते हैं, जो अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए, कोई मजहबी मकसद के लिए नहीं हो सकता है, खुदा के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। बिकॉज खुदा कहता है कि इंसान की कद्र करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो और इज्जत अफजाई करो, एक दूसरे की मुसीबतों में काम आओ। ये मुसीबत देना किसी को गलत है, दिस इज अनबेरेबल। चलिए गाइस, कीप योर लव एंड सपोर्ट। होप आप बाकी वीडियोज भी चैनल पे देखें। एक मैसेज थी टू एंटायर स्टेट, जो भी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के लोग देखते हैं, नोबडी वॉन्ट्स इट एंड होप देर वुड बी वन डे वन कश्मीर विल बी आउट ऑफ दिस गिमिक एंड वेन नो मोर पीपल वुड लूज लाइफ। वी डोंट जस्टिफाई, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, वी जस्टिफाई, वी आर कश्मीरीज एंड वी ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट एवरी वन यार। बट आई विश देयर वन डे यू ऑल वुड रियलाइज कि इट्स नॉट ईजी टू लिव एज अ कश्मीरी। देर इज अ होल लॉट ऑफ, इट्स ईजी फॉर यू टू ट्रेवल यार, घूमने आ गए, सैर सपाटा किया, चले गए, बट रियल कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग फेस करते हैं। तो दुआ करिएगा कश्मीर के लिए ऐसी चीज़ें कभी ना हो और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सजा दे। आई होप द कल्प्रिट्स आर फाउंड एंड देर इज अ स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अगेंस्ट दिस पीपल। वाई क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे अल्फाज ही नहीं है। क्वेश्चन बिना बाइन तर समझ अकल इशार तो शुभ आ कैफी आसा तो आया मेन कर समझ। लेट्स कीप सब्र एंड मेक गुड विशेस फॉर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।